La 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 la. प्रेमचंद के पास कहानियों का खजाना है, तो आज जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं वो भी प्रेमचंद की ही एक अनमोल कहानी है। तो आओ सुनो कहानी दरोगा जी। कल शाम को एक जरूरत से तांगे पर बैठा हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक और महाशय तांगे पर आ बैठे। तांगे वाला उन्हें बैठाना तो ना चाहता था, पर इनकार भी ना कर सका। पुलिस के आदमी से झगड़ा कौन मोल ले। ये साहब किसी थाने के दरोगा थे, एक मुकदमे की पैरवी करने सदर आए थे। मेरी आदत है कि मैं पुलिस वालों से बहुत कम बोलता हूं, सच पूछे तो मुझे उनकी सूरत से नफरत है। उनके हाथों प्रजा को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं इसका अनुभव इस जीवन में कई बार कर चुका हूं। मैं जरा एक तरफ खिसक गया और मुंह फेर कर दूसरी ओर देखने लगा कि दरोगा जी बोले, जनाब ये आम शिकायत है कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत लेते हैं। अगर पुलिस वाले रिश्वत लेना बंद कर दे तो मैं हलफ से कहता हूं कि जो बड़े बड़े ऊंची पगड़ियों वाले रईस नजर आते हैं सब के सब जेल खाने के अंदर बैठे दिखाई देंगे। अगर हर एक मामले का चालान करने लगे तो दुनिया पुलिस वालों को और भी बदनाम करे। आपको यकीन ना आएगा जनाब, रुपए की थैलियां गले लगाई जाती हैं। हम हजार इंकार करें पर चारों तरफ से ऐसे दबाव पड़ते हैं कि लाचार होकर लेना ही पड़ता है। मैंने उपहास के भाव से कहा, जो काम रुपए लेकर किया जाता है वही काम बिना रुपए लिए भी तो किया जा सकता है। दरोगा जी हंसकर बोले, वो तो गुनाह बेलज्जत होगा बंदा परवर। पुलिस का आदमी इतना कट्टर देवता नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि शायद कोई इंसान भी इतना बेलौस नहीं हो सकता। पर सींगों के लोगों को भी देखता हूं, मुझे तो कोई देवता न मिला। मैं अभी इसका कुछ जवाब दे ही रहा था कि एक मियां साहब लंबी अचकन पहने तुर्की टोपी लगाए तांगे के सामने से निकले। दरोगा जी ने उन्हें देखते ही झुककर सलाम किया और शायद मिजाज शरीफ पूछना चाहते थे कि उस भले आदमी ने सलाम का जवाब गालियों से देना शुरू कर दिया। जब तांगा कई कदम आगे निकल आया तो एक पत्थर लेकर तांगे के पीछे दौड़ा। तांगे वाले ने घोड़े को तेज किया, उस भले मानस ने भी कदम तेज किए और पत्थर फेंका। मेरा सिर बाल बाल बच गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया, वो हमारे सामने आकर गिरा। तीसरा पत्थर इतनी जोर से आया कि दरोगा जी के घुटने में चोट आ गई। पर इतनी देर में तांगा इतनी दूर निकल आया था कि हम पत्थरों की मार से दूर हो गए थे। हां, गालियों की मार अभी तक न रुकी थी। जब तक वो आदमी आंखों से उझल न हो गया, हम उसे एक हाथ में पत्थर उठाए गालियां बकते हुए देखते रहे। जब जरा चित्त शांत हुआ तो मैंने दरोगा जी से पूछा, ये कौन आदमी है साहब, कोई पागल तो नहीं है? दरोगा जी ने घुटने को सहलाते हुए कहा, पागल नहीं है साहब, मेरा पुराना दुश्मन है। मैंने समझा था जालिम पिछली बातें भूल गया होगा, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि सलाम करने जाता। मैंने पूछा, आपने इसे किसी मुकदमे में सजा दिलाई होगी? बड़ी लंबी दास्तान है साहब, बस इतना ही समझ लीजिए कि इसका बस चले तो मुझे जिंदा ही निकल जाए। आप तो शौक की आग को और भड़का रहे हैं, अब वो दास्तान सुने बगैर तस्कीन न होगी। दरोगा जी ने पहलू बदलकर कहा, अच्छी बात है, सुनिए। कई साल हुए मैं सदर में ही तैनात था, बेफिक्री के दिन थे, ताजा खून एक माशूक से आंख लड़ गई, आमद रफ्त शुरू हुई। अब भी जब उस हसीना की याद आती है तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। बाजारू औरतों में इतनी हया, इतनी वफा, इतनी मुरव्वत मैंने नहीं देखी थी। 2 साल उसके साल इतने लुत्फ से गुजरे कि आज भी उसकी याद करके रोता। मगर किस्सों को बढ़ाऊंगा नहीं, वरना अधूरा ही रह जाएगा। मुख्तसर यह कि 2 साल के बाद मेरे तबादले का हुक्म आ गया। उस वक्त दिल को जितना सदमा पहुंचा उसका जिक्र करने के लिए दफ्तर चाहिए। बस यही जी चाहता था कि इस्तीफा दे दूं। उस हसीना ने खबर सुनी तो उसकी जान से निकल गई। सफर की तैयारी के लिए मुझे 3 दिन मिले थे। ये 3 दिन हमने मंसूबे बांधने में काट दिए।
उस वक्त मुझे अनुभव हुआ कि औरतों को अक्ल से खाली समझने में हमने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे मंसूबे शेख चिल्ली कैसे होते थे, कलकत्ते भाग चले, वहां कोई दुकान खोल लें, या इसी तरह की कोई दूसरी तजवीज करता, लेकिन वो यही जवाब देती कि अभी वहां जाकर अपना काम करूं, जब मकान का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। आखिर जुदाई की घड़ी आई, मुझे मालूम होता था अब जान न बचेगी। गाड़ी का वक्त निकला जाता था और मैं उसके पास से उठने का नाम न लेता था, मगर मैं फिर किस्से को तूल देने लगा। खुलासा यह है कि मैं उसे 2-3 दिन में बुलाने का वादा करके रुखसत हुआ, पर अफसोस वो 2-3 दिन कभी आए नहीं। पहले 10-5 दिन तो अफसरों से मिलने और इलाके की देखभाल में गुजर गए। उसके बाद घर से खत आ गया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है, रुखसत होकर चले आओ। शादी की खुशी में उस वफा की देवी की मुझे फिक्र न रही। शादी करके महीने भर बाद लौटा तो बीवी साथ थी, रही से याद भी जाती रही। उसने एक महीने के बाद एक खत भेजा, पर मैंने उसका जवाब न दिया। डरता रहता था कि कहीं एक दिन वो आकर सिर पर सवार ना हो जाए, फिर बीवी को मुंह दिखाने लायक भी ना बचूंगा। साल भर के बाद मुझे काम से सदर आना पड़ा। उस वक्त मुझे उस औरत की याद आई, सोचा जरा चलकर देखना चाहिए किस हालत में है। फौरन अपने खत न भेजने और इतने दिनों तक न जाने का जवाब सोच लिया और उसके द्वार पर जा पहुंचा। दरवाजा साफ सुथरा था, मकान की हालत भी पहले से अच्छी थी। दिल की खुशी हुई कि इसकी हालत उतनी खराब नहीं है जितनी मैंने समझी थी। और क्यों खराब होने लगी, मुझ जैसे दुनिया में क्या और आदमी ही नहीं है। मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से वो बंद था। आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, वाह इतनी जल्दी भूल गई, मैं हूं बशीर। कोई जवाब न मिला, आवाज उसी की थी इसमें शक नहीं। फिर दरवाजा क्यों नहीं खोलती, जरूर मुझसे नाराज है। मैंने फिर किवाड़ खटखटाए और लगा अपनी मुसीबतों का किस्सा सुनाने। कोई 15 मिनट के बाद दरवाजा खुला, हसीना ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया और चट किवाड़ बंद कर लिए। मैंने कहा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं, यहां से जाकर बड़ी मुश्किल में फंस गया, इलाका इतना खराब है कि दम मारने की मुहलत नहीं मिलती। हसीना ने मेरी तरफ न देखकर जमीन की तरफ ताकते हुए कहा कि माफी किस बात की, तुमसे मेरा निकाह तो हुआ ना था, दिल कहीं और लग गया तो याद क्यों आती, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, जैसा और लोग करते हैं तुमने भी वैसा ही किया। यही क्या कम है कि इतने दिनों बाद इधर तो आ गए, रहे तो खैरियत में, किसी तरह जिंदा हूं। शायद जुदाई में घुलते घुलते ये तोन निकल आई है, खुदा झूठ न बुलवाए तब से दूने हो गए हो। मैंने झेपते हुए कहा, ये सारा तो बलगम का फिसाद है, भला मोटा मैं क्या होता, उधर का पानी निहायत बलगमी है, तुमने तो मेरी याद ही बुला दी। उसने अब की बार मेरी ओर तेज निगाहों से देखा, बोली, खत का जवाब तक न दिया, उल्टे मुझी को इल्जाम देते हो, मैं तुम्हें शुरू से बेवफा समझती थी और तुम वैसे ही निकले, बीवी लाए और मुझे खत तक नहीं लिखा। मैंने ताज्जुब से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी शादी हो गई? उसने रुखाई से कहा, ये पूछकर क्या करोगे, झूठ तो नहीं कहती, बेवफा बहुत देखे लेकिन तुम सबसे बढ़कर निकले, तुम्हारी आवाज सुनकर जी तो आया कि धुतकार दूं, लेकिन ये सोचकर दरवाजा खोल दिया कि अपने दरवाजे पर किसी को जलील क्या करूं। मैंने कोट उतार कर खूंटी पर लटका दिया, जूते भी उतार डाले और चारपाई पर लेटकर बोला, लैली देखो इतनी बहरहमी से पेश ना आओ, मैं तो अपनी खताओं को खुद तस्लीम करता हूं और इसलिए तुमसे माफी मांगने आया हूं, जरा अपने नाजुक हाथों से एक पान तो खिला दो, सच कहना तुम्हें मेरी याद काहे को आती होगी, कोई और यार मिल गया होगा। लली पानदान खोलकर पान बनाने लगी कि एकाएक किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने घबरा कर पूछा, ये कौन शैतान आ पहुंचा? हसीना ने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, ये मेरे शौहर हैं, तुम्हारी तरफ से जब निराश हो गई तो मैंने इनके साथ निकाह कर लिया। मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा, तो तुमने मुझसे पहले ही क्यों नहीं बता दिया, मैं उल्टे पांव लौट ना जाता, ये नौबत क्यों ना आती, न जाने कब की ये कसर निकाली। मुझे क्या मालूम कि ये इतने जल्द आ पहुंचेंगे, रोज तो पहर रात गए आते थे, फिर तुम इतनी दूर से आए थे, तुम्हारी कुछ खातिर भी तो करनी थी, ये अच्छी खातिर की, बताओ अब मैं जाऊं कहां, मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा है, या अल्लाह किस अजाब में फंसी,
इतने में उन साहब ने दरवाजा खटखटाया। ऐसा मालूम होता था कि किवाड़ तोड़ डालेगा। हसीना के चेहरे पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था। बेचारी खड़ी कांप रही थी, बस जबान से यह निकलता था, या ला रहम कर। बाहर से आवाज आई, अरे तुम क्या सरे शाम सो गई? अभी तो 8 भी नहीं बजे, कहीं सांप तो नहीं सूख गया? अल्लाह जानता है, अब और देर की तो किवाड़ चिड़वा डालूंगा। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, खुदा के लिए मेरे छिपने की कोई जगह तो बताओ, पिछवाड़े को दरवाजा नहीं है क्या? ना, संडास तो है, सबसे पहले वहीं जाएंगे। अच्छा, वो सामने कोठरी कैसी है? हाँ है तो, लेकिन कहीं कोठरी खोलकर देखा तो, क्या बहुत डबल आदमी है? तुम जैसे दो को बगल में दबा ले तो खोल दो कोठरी, वो जो ही अंदर आएगा मैं दरवाजा खोलकर निकल भागूंगा। हसीना ने कोठरी खोल दी, मैं अंदर जा घुसा, दरवाजा फिर बंद हो गया। मुझे कोठरी में बंद करके हसीना ने जाकर सदर दरवाजा खोला और बोली कि क्यों किवाड़ तोड़े डालते हो, आ तो रही हूं। मैंने कोठरी के किवाड़ों के दराजों से देखा, आदमी क्या पूरा देव था। अंदर आते ही बोला, तुम सरे शाम से सो गई थी? हां जरा आंख लग गई थी, मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है किसी से बातें कर रही थी। वहम की दवा तो लुकमान के पास भी नहीं, मैंने साफ साफ सुना कोई ना कोई था जरूर, तुमने उसे कहीं छिपा रखा है। इन्हीं बातों पर तुमसे मेरा जी जलता है, सारा घर तो पड़ा है, देख क्यों नहीं लेते? देखूंगा तुम्हें जरूर ही, लेकिन तुमसे सीधे सीधे पूछता हूं, बतला दो कौन था। हसीना ने कुंजियों का गुच्छा फेंकते हुए कहा, और कोई था तो घर में ही होगा ना, लो सब जगह देखा, सुई तो है नहीं कि मैंने कहीं छिपा दी होगी। वो शैतान इस चकमों में ना आया, शायद पहले भी ऐसा चरका खा चुका था। कुंजियों का गुच्छा उठाकर सबसे पहले मेरी कोठरी के द्वार पर आया और उसके ताले को खोलने की कोशिश में लग गया। गुच्छे में उस ताले की कुंजी ना थी। बोला, इस कोठरी की कुंजी कहां है? हसीना ने बनावटी ताज्जुब से कहा, अरे तो क्या उसमें कोई छुपा बैठा है? वो तो लकड़ियों से भरी पड़ी है, तुम कुंजी दे दो ना। तुम भी कभी कभी पागलों जैसे काम करने लगते हो, अंधेरे में कोई सांप बिच्छू निकल आए तो? ना भैया ना, उसकी कुंजी ना दूंगी। बला से सांप निकल आएगा, अच्छा ही हो निकल आए, इस बेहयाई की जिंदगी से तो मौत ही अच्छी। हसीना ने इधर उधर तलाश करके कहा, न जाने उसकी कुंजी कहां रख दी, ख्याल नहीं आता, इस कोठरी में तो मैंने कभी ताला ना देखा, मैं तो रोज लगाती हूं, शायद कभी लगाना भूल गई हूं, तो कह नहीं सकती। तो तुम कुंजी ना दोगी? कहती तो हूं, इस वक्त मिल नहीं रही है, कह देता हूं कच्चा ही खा जाऊंगा। अब तक तो मैं किसी तरह जब किए खड़ा रहा, बार बार अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि यहां क्यों आया, न जाने शैतान कैसे पेश आए, कहीं तैश में आकर मार ही न डाले, मेरे हाथ में तो कोई छुरी भी नहीं, या खुदा अब तू ही मालिक है। दम रोके हुए खड़ा था कि एक पल का भी मौका मिले तो निकल भागू, लेकिन जब उस मर्दूद ने किवाड़ों को जोर से धमकाना शुरू किया तब तो रूह ही फना हो गई। इधर उधर निगाह डाली कि किसी कोने में छिपने की जगह है या नहीं, किवाड़ के दराजों से कुछ रोशनी आ रही थी। ऊपर जो निगाह उठाई तो एक मचान सा दिखाई पड़ा, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उचक कर चाहता था कि ऊपर चढ़ जाऊं कि मचान पर एक आदमी को बैठे देखकर उस हालत में मेरे मुंह से चीख निकल गई, ये हजरत अचकन पहने, घड़ी लगाए, एक खूबसूरत साफा बांधे उकड़ू बैठे हुए थे। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे लिए दरवाजा खोलने में हसीना ने इतनी देर क्यों की थी। अभी इनको देख ही रहा था कि दरवाजे पर मूसल की चोटें पड़ने लगी, मामूली किवाड़ तो थे ही, 3-4 चोटों में ही दोनों किवाड़ नीचे आ रहे और वो मर्दूद लालटेन लिए कमरे में घुसा। उस वक्त मेरी क्या हालत थी आप खुद ही मेरा अंदाजा लगा सकते हैं। उसने मुझे देखते ही लालटेन रख दी और मेरी गर्दन पकड़कर बोला, अच्छा आप यहां तशरीफ रखते हैं, आइए आइए, आपकी कुछ खातिर करूं, ऐसे मेहमान रोज कहां मिलते हैं। ये कहते हुए उसने मेरा एक हाथ पकड़कर इतने जोर से बाहर की तरफ ढकेला कि मैं आंगन में औंधा जा गिरा। उस शैतान की आंखों से अंगारे निकल रहे थे, मालूम होता था उसके होंठ मेरा खून चूसने के लिए बड़े आ रहे हैं। मैं अभी जमीन से उठने भी न पाया था कि वो कसाई एक बड़ा सा तेज छुरा लिए मेरी गर्दन पर आ पहुंचा। पकड़ जरा, हूं पुलिस का आदमी। उसी वक्त मुझे एक चाल सूझ गई, उसने मेरी जान बचा ली, वरना आज आपके साथ तांगे पर न बैठा होता। मैंने हाथ जोड़कर कहा,
हुजूर मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मैं तो मीर साहब के साथ आया था। उसने गरज कर पूछा, कौन मीर साहब? मैंने जी कड़ा करके कहा, वही जो जो मचान पर बैठे हुए हैं। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, जहां हुक्म पाऊंगा उनके साथ जाऊंगा, मेरी इसमें क्या खता है। अच्छा, तो कोई मीर साहब मचान पर भी तशरीफ रखते हैं? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कोठरी में जाके मचान पर देखा। वो हजरत सिमटे सिमटाए भीगी बिल्ली बने बैठे थे, चेहरा ऐसा पीला पड़ गया था कि गोया बदन में जान ही नहीं। उसने उनका हाथ पकड़कर एक झटका दिया तो आप धम से नीचे आ रहे। उनका ठाठ देखकर अब इसमें कोई शुभा न रहा कि वो मेरे मालिक हैं। उनकी सूरत देखकर उस वक्त तरस के साथ हंसी आती थी। तू कौन है बे? जी मैं, मेरा मकान। ये आदमी झूठा है, ये मेरा नौकर नहीं है, तू यहां क्या करने आया था? मुझे यही बदमाश, उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे यही बदमाश धोखा देकर लाया था। ये क्यों नहीं कहता कि मजे उड़ाने आया था, दूसरों पर इल्जाम रखकर अपनी जान बचाना चाहता है सुअर? ये कहकर उसने उसी तेज छुरे से उन साहब की नाक काट ली। मैं मौका पाकर बेतहाशा भागा, लेकिन हाय हाय की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। उसके बाद उन दोनों में कैसी छनी, हसीना के सर पर क्या आफत आई, इसकी मुझे कोई खबर नहीं। मैं तब से 200 बार सदर जा चुका हूं, पर उधर भूल कर भी नहीं गया। वो पत्थर फेंकने वाले हजरत वही हैं जिनकी नाक कटी थी, आज न जाने कहीं से दिखाई पड़ गए और मेरी शामत आई कि उन्हें सलाम कर बैठा। आपने उनकी नाक की तरफ शायद ख्याल नहीं किया। मुझे अब ख्याल आया कि उस आदमी की नाक कुछ चपटी थी। बोला, हां नाक कुछ चपटी तो थी, मगर आपने उस गरीब को बुरा झलका दिया। और करता ही क्या, अरे करते ही क्या, कि आप दोनों मिलकर उस देव को दबा ना लेते? जरूर दबा लेते, मगर चोर का दिल आधा होता है। उस वक्त अपनी अपनी पड़ी थी कि मुकाबला करने की सोचती, कहीं वो श्रम झल्ले में धर लिया जाता तो आबरू अलग जाती और नौकरी से अलग हाथ धोता। मगर अब इस आदमी से होशियार रहना पड़ेगा। इतने में चौक आ गया और हम दोनों ने अपनी अपनी राह ली। La 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 la